बताइए सर, मेरे लिए जो कुछ पॉसिबल होगा मैं सपोर्ट करूंगा पूरा। नहीं, मतलब बेसिकली यू कैन बी सीएफबी बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर फॉर टेक्नोलॉजी, एग्रो टेक्नोलॉजी, राइट। तो उससे क्या रहेगा कि जो ज्वाइंट वेंचर आप क्रिएट करोगे, राइट, वो जो है यू देन यू हैव टू डेवलप ए टीम बिलो यू ऑल्सो, सो दैट वी कैन क्रिएट, और जो बेनिफिट बाकी को मिल रहे हैं वो आपको भी मिलना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब कुछ ऐसा फंडा जो है कि जो आप कह रहे हैं कि जिससे ज्वाइंट वेंचर होता जाएगा, राइट, तो आपके माध्यम से ज्वाइंट वेंचर किन किन इस पूरे इकोसिस्टम में कहां कहां पे यू फील कि यू कुड बी राइट पर्सन? सर, मैं अभी इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से तो मेरा अभी कुछ नहीं है कि मुझे कुछ चाहिए इसमें से, इंटरेस्ट नहीं है मेरा। बेसिकली क्या है, मैं देखो बेसिकली जो मैक्सिमम पॉसिबल है इससे रिलेटेड लोग हैं उनको मैं आपसे जोड़ दूं। हेलो, इसको थोड़ा सा और एग्रेसिवली करें अपन। उसमें जो है, इट इज नॉट क्वेश्चन ऑफ यू, आप उस पैसे को नहीं लेना चाहेंगे तो उसको डोनेशन में दे दीजिएगा, तो इट विल फ्लोट बैक, राइट। लेकिन सिस्टम तो अपने धन की वर्षा जिसको करना है उसे करना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और उसको जिम्मेवारी जो है वो ज्वाइंट वेंचर डॉक्यूमेंट क्रिएट होने तक बनती है वो, राइट, अनलेस द ज्वाइंट वेंचर डॉक्यूमेंट इज साइंड। अभी ना मैं ये चाह रहा हूँ कि आपकी जैसे एक डॉक्यूमेंट आपने शेयर किया है, वैसे ही पूरी चेन के लिए इंडिविजुअली जो सबके जॉब्स आप डिफाइन कर रहे हैं ना, कौन आदमी क्या कर रहा है कैसे कर रहा है, उन सब के लिए आप जॉब्स का एक डॉक्यूमेंट तैयार करें जिससे हर आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर हों। उसका पूरा जो इंफ्रा है वो वर्किंग कैसे होगा वो भी उसमें क्लियर रहे, जिससे कि क्लैरिटी रहे। क्योंकि जब हम कोई भी काम करते हैं, जैसे मैंने आपसे रिवर्स बोला था, मैंने आपसे कहा था कि हमें किसी एक एरिया से शुरू करते हैं कि जहाँ पे हमें मैक्सिमम कम जगह में, लेट्स से 10 किलोमीटर 50 किलोमीटर का कोई एक एरिया है। यू आर ए रिसोर्स पर्सन नाउ, समय तो एक मिनट, राइट। अब जो तुम्हारा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है दैट विल बिकम द पायलट प्रोजेक्ट, ओके। अब आपने दूसरे व्यक्ति को दूसरे स्टेट का हेड बनाया, फिर जिलों के हेड बनाए, राइट। तो जहां जहां आपका ज्वाइंट वेंचर क्रिएट हो जाएगा वहां वहां पे आपका मामला बनता जाएगा। नहीं, ज्वाइंट वेंचर आप एंड यूजर, वो तो एक फ्रंट लाइन हो गई ना। मैं बात कर रहा हूँ कि एक एक स्ट्रक्चर बने कि यहाँ पे जैसे जैसे गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि आप फार्मर से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं है, यू कैन नॉट बिकम द बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर ऑफ द सीएफबी फॉर फार्मर्स, राइट, क्योंकि वो आपका डोमेन नहीं है। क्लियर? बिल्कुल। यदि है तो उसमें भी बन सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, उस पूरी चीन चैन में पूरा चैन हमने दिया हुआ है, राइट। अब अल्टीमेटली तो पूरी चैन को ही क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। अब चैन में यदि अपन पहले एग्रो से रिलेटेड लोगों को कहें तो नर्सरी वाला विल बिकम अनदर पर्सन, राइट। काउ ब्रीडिंग सेंटर विल बिकम द सेकंड, राइट। अब गाय के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, उसके लिए जो हट बनाना है, जो उसके ऊपर सोलर पैनल लगाना है, सो देयर मे बी मोर देन वन प्लेयर, राइट। क्लियर? अब जो है ऑब्वियसली आप जिस एरिया में हैं उस एरिया में यू कैन क्रिएट, राइट। एंड देन अपन जो चूंकि लोगों को जानते हैं तो सिमिलर जो है मॉडल वी नीड टू क्रिएट टू द अदर प्लेसेस आल्सो। तो जहां जहां पे आपको आदमी मिलते जाएंगे वहां वहां मॉडल क्रिएट होता जाएगा, क्योंकि जहां पे आपका कोई सीढ़ी नहीं पहुंचेगा वहां तो वो पेड़ नहीं निकलेगा ना।
इसीलिए सर मैंने पूछा था कि हाँ? क्या वहाँ पे कुछ लोग तैयार हैं अभी, नहीं अभी कोई जीरो प्रयास है, ये तो नहीं? आइडिया ही 15 दिन पुराना है, इसके पहले तो अपन क्राइम फ्री भारत पे ही जुटे हुए थे ना, ये एग्रो आयुष मॉडल ये सब, क्योंकि मुझे क्या लगा कि जब तक आप इकोनॉमी को मजबूत नहीं करेंगे तब तक आप क्राइम फ्री भारत पैदा हो ही नहीं सकता है। अच्छा और दूसरी बात है कि आप जैसे इसको कर भी दोगे, मान लो बच्चे भाई सिस्टम ला भी दोगे, तो ना तो पॉलिटिकल बॉसेस उसमें इंटरेस्टेड होंगे टू मेक इट हैपन, ना ही पुलिस इंटरेस्टेड होगी, ना ही जुडिशरी इंटरेस्टेड होगी। भाई जुडिशरी भी तो कोई उसकी नहीं है ना, देखिए ना आधार से लेकर हर चीज में वो जो ना टांगड़ आती है भाई, यू कैन से कि दिस इज द कंसर्न, यू एड्रेस दिस कंसर्न, यू आर वेरी हैविंग नो बिजनेस टू से लीगल और इलीगल, राइट? यू कैन से कि दिस इज द प्राइवेसी, प्राइवेसी का लॉ बनाइए, साला यदि किसी ने उसको अनटूवर्ड्स अनइंटेंडेड पर्पज के लिए यूज किया तो साले को जेल भेजेंगे, राइट? ये लॉ, ये कानून बनाइए। लेकिन एक्चुअली में प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि उस एंड पे भी दुष्टों ने बहुत सारा अनर्गल कमाई करके रखी हुई है, यदि सभी चीज लिंक हो जाएगी तो दे विल बी एक्सपोज इन नो टाइम। कहीं पे प्रॉब्लम जो है ना, ये प्राइवेसी प्राइवेसी की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम दूसरी है। प्रॉब्लम ये है कि हमाम में सब नंगे हैं, उन्हें लगता है कि हम पकड़े जाएंगे। और ये सब, ये बात पूरी इंटेलिजेंसिया के साथ है, ये बात ब्यूरोक्रेसी की बात है। तो हम सब लोग चतुर लोग हैं तो अच्छी अच्छी बातों में जो है ना उसको कैमोफ्लेज कर लेते हैं, हम कोर इश्यू को एड्रेस ही नहीं करना चाहते हैं। नहीं वो चाहता नहीं हर कोई ये डिस्कशन करना। नहीं मैं ये कह रहा हूं कि आप देश हित की चीजें क्यों नहीं चाहते हैं, आपके व्यक्तिगत स्वार्थ जो है ना देश हित से ऊपर क्यों है, यही तो आपकी चाहत जो है ना देश हित से हटके क्यों है, और जब देश आगे बढ़ेगा तो आप अपने आप आगे बढ़ जाएंगे। आप मुझे इसका कोई जवाब देंगे? जैसे हमने जो है जो हमने ड्राफ्ट बनाया है नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस एंड इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम, हमने राइट टू प्राइवेसी गारंटी किया है। उसमें हमने कहा है कि यदि इवन द चेयरमैन ऑफ द नेशनल अथॉरिटी यदि वायलेट करता है तो बैक एंड इंजन इसे पकड़ लेगा, और उसमें मिनिमम पनिशमेंट 7 साल का दिया है, और उसमें यह भी दिया है कि इट विल नॉट रन कॉन्करेंटली। तो आपने 4 ऑफेंसेस किए तो 28 साल के लिए जेल में पैक हो गए, यू मे बी द चेयरमैन ऑफ द नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस। ऐसे ही उसमें उसके सिस्टम में कोई यदि अनऑथराइजली घुसेगा तो 7 ईयर का मिनिमम पनिशमेंट है, इट विल नॉट रन कॉन्करेंटली, और बैक एंड इंजन खुद ही पकड़ लेगा और वो रिपोर्ट भी कर देगा, उसको रिपोर्टिंग का पावर भी दिया है। बिल्कुल राइट। तो वो जो है ना मालूम पड़ा उसने अपने चेयरमैन को ही जेल भेज दिया। आपको इतना पावरफुल सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो हम लोग जो जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बेसिकली हम अपने सब जो है ना टर्फ और अपने हितों को साधने में लगे रहते हैं, और चूंकि हम लोग विद्वान हैं तो उसको जो है ना वो पब्लिक इंटरेस्ट और ये सब तरीके के फालतू के ड्रामाबाजी में उसको कह के और बड़े बड़े जो है ना जजमेंट लिख देते हैं। नहीं आप ये बताइए कि इस देश में यदि चपरासी बनने के लिए जो है आपको सचरित होना चाहिए तो आपने जो है ना नेतागिरी के लिए आया, अब इसमें PIL लगी, तो आपने पुलिस रिफॉर्म को पुलिस रिफॉर्म करना भी तो जस्ट ए मिनट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो जस्ट ए मिनट, पुलिस रिफॉर्म करना किसका काम है? सरकार का। कानून बनाए, नियम बनाए, जो कुछ भी करना है सब कुछ करे, राइट? लेकिन आपने एक 7 पॉइंट जो है ना जजमेंट दे दिया, वो जानते किसे दिया है? आई थिंक इट इज आर्टिकल 142, आई हैव टू रीड इट, आर्टिकल 142 ही है शायद वो, जिसमें कहा गया है कि हमारी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, दे कैन डिजाइन ए मैकेनिज्म टू इम्पार्ट जस्टिस, राइट? तो जस्टिस जो है जहां पे क्रिमिनल्स लॉ मेकर हो वहां जस्टिस कैसे इम्पार्ट होगा? तो आप आर्टिकल 142 में जो है ना 1, 2, 3, 4, 5 जजमेंट क्यों नहीं देते कि साहब हम 142 में, बिकॉज दिस इज द एरिया विच इज वेरी क्रिटिकल फॉर इम्पार्टिंग जस्टिस। यहां कानून मेकर ही लॉ मेकर होंगे तो जस्टिस कैसे इम्पार्ट हो सकता है?
लिहाजा मैं एक सिक्स पॉइंट का जजमेंट देता हूं। आपने पुलिस रिफॉर्म में 2006 में दे ही दिया ना क्या, तो जब आप पुलिस रिफॉर्म में दे सकते हैं तो इसमें इलेक्टोरल रिफॉर्म में क्यों नहीं दे सकते हैं? बिल्कुल। तो इसमें एक बात ये समझना पड़ेगी कि हम लोग जो है जो जहां कहीं पे भी है, वेदर द प्राइवेट प्लेयर और गवर्नमेंट प्लेयर, एवरीबडी इज हैविंग ए रेंट सीकिंग बिहेवियर, राइट? और वो अपना उल्लू सीधा कर रहा है। बिल्कुल। तो कहीं तो वो ये कह देता कि अरे यार हमारा ये हम तो बिजी है ही है, कभी आपको जो है ना ढुलढुल बात कहता है, कई बार जो है ना वो बड़े बड़े जो है ना सोशियोलॉजिकल वर्ड्स और मैनेजरियल वर्ड्स का यूज करके चुतिया बनाता है शुद्ध भाषा में, और ही विल ऑलवेज बीट अबाउट द बस। आई एम सेइंग बीटिंग अबाउट द बस बस इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस। कैच होल्ड द प्रॉब्लम बाय हॉर्न एंड हैंडल इट। आप उसको एक बार समस्या मान लीजिए, समाधान तो दस दस निकल आएंगे। जैसे आजकल मुझे बहुत जोर से ये बात दिमाग में बहुत जोर से खट रही है, आई फील के पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज नॉट गुड फॉर द इंडिया, क्योंकि हमारे पास इतने जोकर्स हैं, इंडिया ब्रेकिंग फोर्सेस के पास बहुत सा पैसा है, वो किसी को भी खरीद सकते हैं इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर। तो फिर जो है यदि आपके पास बहुत अच्छा प्राइम मिनिस्टर मिल भी गया आपको, तो वो तो हमेशा इन जोकरों को साधने में लगा हुआ है। हाँ, मजबूरी है उसकी बेचारे की। नहीं, तो वो मजबूरी हमने क्यों पैदा की ऐसे घटिया सिस्टम को देखे? बिल्कुल। जहां लोगों का ये चरित्र नहीं है, जहां हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से लेके एवरीबडी और मिनिस्टर एवरीबडी इज ऑन द पेरोल ऑफ द फॉरेन फोर्सेस एंड इंडिया ब्रेकिंग फोर्सेस, जहां पे जो है डी कंपनी जो ना कंट्रोल्स ए बिग पॉपुलेशन, उस देश में फिर जो है ना ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्यों होना चाहिए? क्योंकि क्योंकि यदि आप किसी पॉलिसी को अपोज करने में सफल भी हो जाते हैं तो भी आप गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं ला पाएंगे, राइट? बिल्कुल। और दूसरी बात है कि यदि आप किसी कंसिडरेशन के लिए कर रहे हैं तो उसके तार जुड़े होंगे, और मोर एंड मोर डिजिटल होता जाएगा तो मोर एंड मोर जुड़ जाएंगे। और हमारे देश में जब जो 360 डिग्री कर्नल्स की नहीं बच रही है तो भाई साहब आपकी कैसे बच जाएगी? नहीं, ये बताओ ना, ये जोकर इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि हमने इंटीग्रेटेड सिस्टम नहीं लाया है, नहीं तो सब जोकर जिस एरिया के भी हों, जिनको आप उल्लू भी कहते हैं कि हर साथ पे उल्लू बैठा है, अज्जा गुरुस्ता क्या होगा वाली बात है, एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलस्ता करने को, हर साथ पे उल्लू बैठा है अंजाम गुलस्ता क्या, तो साले एक उल्लू नहीं बचेगा। और जैसे अभी हम आपको उदाहरण दे रहे थे ना कि उसका स्वभाव बदल जाएगा, वो मॉडेस्टी आ जाएगा, ऐसे ये उल्लू जो है ना एकदम इंटेलिजेंट सबसे अच्छे नागरिक में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्यों? एक स्पेशल चीज है, आप देखो जो हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो पोस्ट आईएएस को लेके चलते हैं हम लोग, आईएएस के लिए बच्चे मतलब कई कई साल लोग तैयारी करते हैं, और अपने आप में बहुत मुश्किल चीज है, और वो जैसे तैसे कर पाते हैं, और उसमें वो सारे यंगस्टर्स होते हैं, मतलब 20 से 25 साल के। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो अगर और वो ब्यूरोक्रेसी की टॉप लेयर है, मतलब क्रीमी लेयर है जो पूरे सिस्टम को हैंडल करती है। तो अगर हम संस्कृति की बात करें, व्यवस्था की बात करें, तो हमारी जब नई पीढ़ी वहां पे आती है तो ये चीजें बदल जानी चाहिए, मतलब उनका रोल होता है सब कुछ बदलने का, लेकिन आपने जो है जो बदल आके उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। देखो ऐसा है, जब आपने देखिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, राइट? एक कौआ था, राइट? तो बच्चे कौए को जो बुजुर्ग कौआ है वो समझा रहा था, तो देखो भाई जो है जब कोई झुके तो समझ लेना पत्थर उठा रहा है, राइट? तो तुम उड़ जाना। तो बच्चे ने कहा यदि वो फना में ही रखे हो तो, फना मतलब जो धोती को जो अंटी लगाते हैं ना, तो उसे झुकने की जरूरत नहीं है। तो उसने कहा बेटे तुम तो सीखे सिखाए हो, तुम्हें क्या बताना, ठीक है ना? मतलब यदि इफ यू कैन एंटीसिपेट ए सिचुएशन के बिना झुके हुए भी पत्थर पहुंच के हाथ पहुंच जाएगा और मार सकता है, तो वो ऑलरेडी इंटेलिजेंट है। तो हमारे जो नए ऑफिसर्स हैं वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन उनको इकोसिस्टम ने इतना बेशर्म और मोटी खाल के बना के भेजा है,
और हम जो नया इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, हमने उनको वल्नरेबल बना दिया। इस सिस्टम को एक चीज समझ में आ गई कि ये स्टील फ्रेम में कुछ पागल लोग तो पहुंच ही जाएंगे, राइट। और ये पागल लोग जो सिपाही, सर कांस्टेबल की बात बताता हूँ आपको। नहीं, अभी अभी ये जत्था से कहानी सुन लो, फिर इसके बाद कांस्टेबल की बात बताना, ठीक है ना। अब कुछ पागल लोग आपको मिल जाएंगे जिनको जो है ना अपनी पेंशन से ही कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो वो जो है ना बिना उसके जो है ना बड़े रहेंगे, राइट, एंड दे विल बी क्रिएटिंग प्रॉब्लम। तो आप ये बताइए कि नेता एक दिन में यदि किसी हाउस का वो बने तो ही इज एंटाइटल फॉर पेंशन, मतलब यदि एक दिन वो उसने शपथ ले ली और दूसरे दिन यदि हाउस डिजॉल्व हो जाए तो भी उसको पेंशन का हक है। आपको मालूम है बात कि नहीं? बिल्कुल मालूम है। और यदि मजूमगरी वो पार्षद रहा तो उसका अलग, विधानसभा का तो अलग रहा, मेंबर ऑफ जनरल राज्यसभा रहा तो अलग, और मेंबर ऑफ लोकसभा रहा तो अलग, राइट। तो ऐसे ढेर सारी पेंशन उसको मिल सकती है, राइट। बिल्कुल। और एक हाइपोथेटिकली माने कि जिस चीज में भी उसने ज्वाइन किया वो दूसरे दिन ही डिजॉल्व हो गई, राइट, तो उसको एक दिन के लिए इतनी सारी पेंशन मिल सकती है। आप एक ब्यूरोक्रेट जो पूरी अपना प्राइम लाइफ जो है ना लगा रहा है, आपने 2004 से उसको पेंशन बंद कर दी है, इसका मतलब क्या है? आपने उसे असुरक्षित किया है। किसको असुरक्षित किया है? जो दुष्ट जो है ना भ्रष्ट लोग थे वो तो ऑलरेडी कमा रहे थे, उन्हें तो तुम्हारे पेंशन की वैसे भी जरूरत नहीं है, राइट। तो जो पागल लोग जो कि लीक से हटके काम करना चाहते हैं उनको आपने वल्नरेबल बनाया है। अदरवाइज आप ये बताइए, वाई कांट देर बी ए सिस्टम कि आपका जो स्टील फ्रेम है उससे कहा जाए कि देखो भाई तुम जो है ना कमिटेड होना चाहिए और तुमको जो है ना नेशनल वाला और वो वाला काम होना चाहिए। भाई तुम नौकरी में आए हो तुम्हें पेंशन मिलेगी, राइट। तुम जो है ना, तुम्हें क्या आवश्यकता हो सकती है? घर की। We will assure you कि you will get a good house from very beginning, right? और वो घर बना के दे देंगे तो सरकारी बजाय तुम अपने घर में रहो, और वो चूंकि सभी सरकार के लोग वहीं रहेंगे तो वो सरकारी कॉलोनी ही कहलाएगी, राइट? बिल्कुल। अब जो है आपको एक गाड़ी की जरूरत होती है तो भाई आपको एक गाड़ी भी दे देगी, राइट? आपको जो ना अलाउंस दे देंगे तो आप सरकारी गाड़ी से ही आइए, एक ड्राइवर भी आपको दे दिया हमने, तो हमें जो है आप सरकारी गाड़ी नहीं खरीदना पड़ी, और एक छोटे से अलाउंस में जो है ना जो जितने सारे घपले हैं वो नहीं हो पाएंगे अब सिस्टम में, ठीक है ना। अब आप जो है ना एक आपको ऐसा कमिटेड व्यक्ति मिल सकता था कि आप उसे अपनी उसकी सभी पर्सनल आवश्यकताएं पूर्ति हो गई, और दो चार यदि और कोई आवश्यकताएं लगती है इंक्लूडिंग बिटिया की शादी एक्सेट्रा, वी कैन डिवाइस वेज एंड मैन टू इवन एड्रेस दोज इशूज ऑल्सो, राइट। और फिर हम अपने ब्यूरोक्रेट से एक्सपेक्ट करें कि तुम लक के जो है ना हो जाओ। अब आपने उसके उल्टी स्थिति अपन ने पैदा की, कुछ कोर्ट ने पैदा की, कुछ सरकार ने पैदा की। कोर्ट ने कहा कि भाई आपका जो है ना इनकाउंटर हुआ किसी बदमाश से या किसी टेररिस्ट से या किसी से भी, राइट, तो आपके खिलाफ मर्डर का केस रजिस्टर होगा, राइट। फिर उसमें जब आप एग्जोनरेट हो जाएंगे तब देखेंगे जो भी होगा। अब जो है मैथिलीशरण गुप्त एकदम खुंखार जो है ना कमिटेड नेशनल, उन्होंने एक एनकाउंटर हुआ उनके हाथ से, राइट, उन्होंने टेररिस्ट को मार डाला, आपने मैथिलीशरण गुप्त के खिलाफ एक केस रजिस्टर कर दिया, राइट। अब मैथिलीशरण गुप्त जो चूंकि अपने आप अपनी लाइन बड़ी रखे हुए, अपने आप को खुंखार मार रहे हैं, तो उनके जितने भी कलीग हैं हो सकता है वो उनसे जल्लस रखते हो, राइट। तो किसी ना किसी के पास तो वो इन्वेस्टिगेशन पहुंचेगा, राइट। तो वो कहेगा अच्छा अब जो है ना आया जो है ऊंट पहाड़ के नीचे, अब देखते हैं साले को, ठीक है। अब अज्यूम करिए कि आपका इतना अच्छा वो चीज है कि उसमें कुछ उनको मिला ही नहीं, तो वो एक काम तो कर ही सकता है, ही कैन डिलेट। जब तक आपका वो क्लियर नहीं होगा आपको जो है ना अपना प्रमोशन मिल पाएगा ना आपको कुछ मिल पाएगा, क्योंकि आपको जो है ना इंटीग्रिटी क्लियरेंस ही नहीं मिलेगा, वही क्लियरेंस नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप एक तो जुडिशरी ने सिस्टम क्रिएट कर दिया है, यू क्रिएट मोर इफिशियंट सिस्टम रादर देन यू आर डूइंग दिस। अच्छा, सेकंड जो है ना आपने पेंशन का कर दिया। अब जो है ना डे वन जब नौकरी में 2004 के बाद जो लोग आए हैं उन्हें इस बात की चिंता पालना पड़ेगी कि नहीं पालना पड़ेगी कि जब नौकरी जब वो रिटायर हो जाएंगे तो उनका जीवन यापन कैसे होगा? बिल्कुल सर। क्या ये साजिश का हिस्सा है कि ये चिंता पैदा की जाए जिससे जो है ना ये लोग जो है कुछ अच्छे लोग ना बचे रहे, वो भ्रष्टाचार करें, बदमाशी करें और अपने लिए और हमारे लिए अच्छी चीजें पैदा करें? क्या बताएं सर, ये तो बहुत ज्यादा एक एक चीज गड़बड़ है। हर नहीं नहीं, हम एक ऐसा इकोसिस्टम पैदा नहीं कर रहे हैं जिसमें अच्छी जुडिशरी आएगी नहीं, अच्छी जो है ना ब्यूरोक्रेसी आएगी नहीं।
बिल्कुल करना चाहिए। आप जो है जो जो अच्छे वाले लोग हैं उनको आप साइडलाइन करके, और यदि आपका जो ना बन गया तो समटाइम जो ना यू रियन देयर करियर, एंड स्पेशली कांग्रेस के समय तो ऐसा बहुत हुआ, बीजेपी के समय भी हो रहा है। बीजेपी वाले उनको किनारे बैठा दे रहे हैं लेकिन उनके पीछे नहीं पड़ रहे हैं, राइट। लेकिन मुझे कोई एक दो किस्से सुना रहा था कि कांग्रेस के समय के कि यंग ऑफिसर जो है ना, ही वाज ऑफ द कस्टम एंड उसको ही वाज रियूंड बिकॉज ही हैज टेकन ऑफ बीट जो है ना डिसीजन फॉर्म लिया, उसके पास कोई रिकमेंडेशन आई, उसने वो रिकमेंडेशन नहीं मानी। तो हम जो लोग जो है ना एक घटिया व्यवस्था पैदा कर रहे हैं, और जो ये क्रिमिनल टाइप के लोग जिनकी राजनीति ही व्यवसाय है, जो चाहे राजनीति ज्वाइन करने के पहले भूखे नंगे रहे हों और राजनीति में आते ही वो करोड़पति बन गए, उनके जो है ना होटल से लेके मालूम जाने कितने में पार्टनरशिप हो गई है, और ऑन द टॉप ऑफ इट दे आर क्रिमिनल्स आल्सो। ये तो सर कैटर होना चाहिए, मसला वही है। जैसे यूपी के अंदर जो ये योगी जी जो जिस तरह से कर रहे हैं, वो पूरा नहीं है लेकिन वो पार्शली उसको फुल फ्लैश में होना चाहिए। हमारा कहना ये है कि आपका सिस्टम बदमाशों को प्रश्रय क्यों देता है, आप उसे अपने मंच में क्यों बिठाते हैं, आप उसे टिकट क्यों देते हैं, जिसको जेल में होना चाहिए उसको वो बद्दाधारी जो कि उसे उसको पकड़ के जेल में अरेस्ट करके डालना चाहिए, वो उसको अरेस्ट करने के लिए मजबूर क्यों, उसको जो है ना सल्यूट करने के लिए मजबूर क्यों। बिल्कुल, अभी जो ये मुख्तार अंसारी इन्होंने अंदर डाला है, इसको बचाने के लिए पूरी व्यवस्था लग गई। मतलब अरे मैं आपको बताऊं, मुख्तार अंसारी को पहले भी एक डिप्टी एसपी रैंक के ऑफिसर ने बंद किया था, इन दुष्टों ने उसको सस्पेंड करा दिया, उसको जो है ना उसके विरुद्ध डी पैदा कर दी, उस व्यक्ति को जो है ना नौकरी छोड़ना पड़ी। अभी जो है ना योगी सरकार ने उसे वापस लिया है। हाँ मैंने सुना था उसको, हाँ मैंने टीवी पे सुना था, वो इंसान मतलब उसका जीवन तबाह कर दिया इन्होंने। तो अब आप ये सोचो ना, यदि आप ये वानगी क्रिएट करेंगे जहां अच्छा काम करने वाले दृढ़ता वाले अपनी जान को खतरे में डाल के इतना अच्छा काम करेंगे, और आप उन्हें सस्पेंड करेंगे और आप उनकी डी करेंगे और आप उनको धमकियां देंगे, कितने केसेस हैं जिसमें मुलायम सिंह खुद फोन पे धमकी देते हुए पाए गए हैं। हाँ बिल्कुल, और बिल्कुल। वो वायरल हुआ है, और फोन पे धमकी देना नहीं है, फोन पे धमकी देना ये क्राइम नहीं है क्या? केस रजिस्टर क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं उसको सीधा, और आपने नहीं, आपने कैसा अपिंग सिस्टम पैदा किया है? इसमें तो थानेदार अपने स्वयं मोटो केस रजिस्टर कर सकता है, क्यों नहीं रजिस्टर किया? हमने इतनी अपंग पुलिस क्यों पैदा की? क्योंकि हम दुष्ट हैं, क्योंकि हम बदमाश हैं, क्योंकि हम मक्कार हैं, क्योंकि हम काली चमड़ी के अंग्रेज हैं, हम इनके इन प्रकार सत्ता में बने रहना चाहते, हमारी ये सोच है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इन दुष्टों को जब तक जो है ना ये, और ये बताइए ना, हम तो कह रहे हैं जो नरेंद्र मोदी जी इतने अच्छे हैं, इन्हें सुप्रीम कोर्ट की बात क्यों समझ में नहीं आई? हमने तो एक वीडियो जारी किया जिसमें मैंने इनसे प्रार्थना की है कि भाई आप जो है ना कानून बनाइए। है आपने सुना कि नहीं सुना? मैंने सुन लिया, वो सुना है ना। हाँ मैंने ठीक बोला या गलत बोला? नहीं ठीक कहा आपने। तो लेकिन आपको लगता है कि क्या कहते हैं वो नक्कार खाने में जो है ना उसकी आवाज है तूतू की आवाज, तो उस नक्कार खाने में तूतू की आवाज किसको सुनाई देने वाली है? डू यू फील कि मिस्टर नरेंद्र मोदी विल वेक अप, विल टेक इट एज ए वेक अप कॉल एंड विल इनेक्ट एनी सच लॉ? नो नहीं सर, वो कुछ नहीं होने वाला। वो तो वो क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि क्रिमिनल ज्यादा जीतेंगे, और हमें इनके प्रकार अपनी सरकार बनाना है, सरकार बनाना ही हमारा धर्म है, तो फिर हम कानून क्यों बनाए? और तुम साले चूतिए हो तो चूतिए जैसे बोलते रहो, हमें क्या लेना देना तुम्हारे बोलने से। तो इस मैं इसलिए हम कह रहे हैं कि सामर्थ्य और शक्ति पैदा कर दीजिए, सब ठीक हो जाएंगे। इनकी में से किसी की भी ताकत नहीं रहेगी किसी का वोट खरीद सके। सर अगर पब्लिक जागरूक हो जाए तो सब कुछ हो सकता है। हम तो कह रहे हैं उसको आप समृद्ध बना दीजिए। जो व्यक्ति भी समृद्ध होता है चातुर्य उसमें खुद ही आ जाता है। आप ये देखिए बिना पढ़ा लिखा बनिया भी देखो, वो साले कितनी चतुराई की बातें करता है, वो ऐसी ऐसी ब्रांडिंग और ऐसी ऐसी चीजें करता है वो, जो कि बड़े बड़े मैनेजमेंट एमबीए किए हुए भी नहीं कर पाते हैं।
एमबीए मैनेजमेंट वाले उसी से तो सीखते हैं, क्योंकि असली जो शिक्षा है वो तो अनुभव है, वो किताब नहीं है, वो तो अनुभव है, और अनुभव प्रैक्टिकल में होता है, उनको इकट्ठा किया जाता है। नहीं, ये देखो एमबीए और एक कंपनी तो कर ही नहीं सकती है, बिकॉज उनके इतना प्रॉम्प्ट और फास्ट डिसीजन वो ले ही नहीं सकते हैं। जो डिसीजन आपका जो रोड पर बैठा हुआ आपका बिजनेसमैन ले रहा है, वो तो क्लिक ऑफ सेकंड में निर्णय लेता है। आप देखिए, मान लो जो ना एक सब्जी वाला है, उसकी सब्जी खराब हो रही है, वो तत्काल कहता है सर दुगना दूंगा, राइट? बिल्कुल है, उसी भाव में आप 2 किलो ले लीजिए, आप 5 किलो ले लेंगे तो हम इतना कम करके दे देंगे। बिल्कुल ना, ये डिसीजन कौन मैनेजर ले सकता है? कोई नहीं ले सकता है, कोई नहीं लेगा। तो फिर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि छोड़ो ये सब चीजों को, हम जो है ना, लेट्स टेक द कंट्री टू द डिफरेंट ट्रेजेक्टरी। हम जो है ना, किसानों से लेके हर किसी की इनकम मिनिमम 5 गुना बढ़ा दें, उससे डिमांड इतनी बढ़ जाएगी। आपको विदेशों की तरफ नहीं देखना पड़ेगा, विदेशों को तो वैसे भी लाइन लगाए खड़े होंगे, भैया हमारे तो बात नहीं मिल रहा है, केवल भारत में ही मिल रहा है, तो दे दो यार थोड़ा सा। और जैसे जो है ना, हमारे माननीय मोदी जी ने कहा ना कि अच्छा हम वैक्सीन इतनी देंगे, पहले अपनी इंडिया का रिक्वायरमेंट देखेंगे, राइट? तो ऐसे ही सीएफ भी कहेगा नहीं नहीं नहीं, पहले मुझे अपने अपने लोगों का जो है ना न्यूट्रिशन देखना है, अपने लोगों का रिक्वायरमेंट देखना है, बचेगा तो फिर आपको हम देंगे, और वो भी 10 गुना या 100 गुना कीमत पे। लेना हो तो लो, नहीं तो जाओ घर में। क्या सोचते हैं?